स्कैनर को ओपन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने स्कैनर ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने एक स्कैन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 10 रुपये, यहाँ पर चलो 10 रुपये में मैं 1 रुपये ही करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए UPI लेट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जैसे किसी को हम ऐसे पेमेंट करते हैं तो हमारे पास अलग अलग बैंक अकाउंट आते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरे साथ आ रखा है। अब अगर मैं यहाँ पर स्टेट बैंक से ऐसे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमें पिन मांग रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ और यहाँ पर देखिए मैं जैसे UPI लेट के ऑप्शन पर आऊँगा, जैसे यहाँ पर मैं पे करूँगा तो मुझे जो है पिन वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है और वो सिंपली जो है हमारा वो पे हो जाएगा। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं पेड हो गया। दोस्तों मेरा नाम है मंटू और आप देख रहे हैं मंटू ऑनलाइन चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फ़ोन पे ने जो है एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है UPI लेट। ये आपको पेटीएम में भी मिल जाएगा। अगर आप पेटीएम का ऐप खोलोगे तो यहां पर आपको देख सकते हो कि UPI लेट का ऑप्शन आ रहा है, और आप अगर फ़ोन पे खोलोगे तो फ़ोन पे में भी आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसका क्या बेनिफिट है और आप इसको कैसे यूज करोगे, इसके बारे में मैं पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पर बने रहें, अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या था, पहले कि आप क्या करते थे, जैसे भी आप किसी को पेमेंट करते थे अपने फ़ोन से, फ़ोन पे से या फिर पेटीएम से, तो कई बार हमारे साथ फ़ोन पे में भी आपने फेस किया होगा कि अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं तो हमारे बैंक से जो है वो पैसे कट जाता है और सामने वालों को पैसे नहीं पहुँचता है और हमारे पास लिखा हुआ आता है अंडर प्रोसेसिंग लिखा हुआ आता है या फिर आता है कि ट्रांजैक्शन फेल हो गया और हमारे अकाउंट से जो है वो पैसे कट जाते हैं, और उस पैसे को आने में 24 से 48 घंटे लग जाता है, कई बार इससे ज़्यादा भी लग जाता है और हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमारा काम नहीं होता है, हमारे पैसे भी कुछ टाइम के लिए चले जाते हैं और सामने वाले को मिलता भी नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सबके साथ। तो इसको ठीक करने के लिए फ़ोन पे और पेटीएम ये दोनों ऐप ने जो है ये नया तरीका निकाला है जिसका नाम है UPI लेट। अब इससे क्या है कि अब आप इसको यूज कैसे करोगे, इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है अब इसमें क्या करना है आपको, तो सबसे पहले जो है फ़ोन पे में आपको बता देता हूँ मैं, चलिए अब मैं फ़ोन पे के ऐप के ऊपर जाता हूँ और सारी डिटेल आपको बताता हूँ कि इसको कैसे यूज करना है और कैसे सारा कुछ करना है। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और बताते हैं आपको सारी चीज़ें। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो है फ़ोन पे ऐप को ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ कि आगे का क्या प्रोसेस है और क्या हमें करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो है हमारा फ़ोन पे खुल गया है और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप देख रहे होगे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए UPI लेट करके ऑप्शन आ रहा है, सुपर फास्ट पेमेंट 0, यहाँ पर देख सकते हैं ये है UPI लेट। अब इस ऑप्शन को आपको यूज कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा सीधा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए कुछ इस तरह से जो है ये खुल के आएगा, थोड़ा सा हमें वेट करना है और थोड़ी देर ये लोड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये पेज खुल के आ गया, यहाँ पर आप सारा कुछ पढ़ सकते हो इसके बारे में, इसको एक्टिव कैसे करना है और यहाँ पर क्या क्या इसका प्रोसेस है। तो यहाँ पर देखिए सुपर फास्ट पेमेंट 0 पेनल्टी पे आप कर सकते हो, यहाँ पर ये आप देख सकते हो बिल्कुल भी यहाँ पर कटेगा नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे बैंक में बैंक चाहे स्लो हो या कुछ भी हो, बैंक से इसको मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली एक्सेप्ट जो एवरीवेयर पेमेंट UPI का लिंक करना है, उसके बाद वन क्लिक पेमेंट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा विदाउट पिन। आप जब किसी को भी स्कैन करके सीधा पे कर सकते हो, उसमें पिन विन डालने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको एक्टिव कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप इसको खोले, यहाँ पर आपको इंटर अमाउंट करना है, तो यहाँ पर हमने इंटर अमाउंट किया और यहाँ पर मैं 200 रुपये ऐड कर लेता हूँ फ़िलहाल। चलिए यहाँ पर मैं 200 रुपये ऐड किया। अब देखिए ये जो है हमारा 200 रुपये ऐड हो रहा है, ये हम किसी भी बैंक से कर सकते हैं जो भी आपका बैंक लिंक हो। तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर 200 रुपये इसमें ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद आगे देखते हैं कि आगे हमें ये क्या करने के लिए बोलता है, आगे का क्या प्रोसेस है। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने 200 रुपये जो है सक्सेसफुली इसमें ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे 200 रुपये ये ऐड हो गए हैं, करंट बैलेंस हमारा 200 रुपये है। अब हम आ जाते हैं बैक, अब इसको हमें यूज कैसे करना है, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो हमने ये
UPI लेट का ऑप्शन था, इसको हमने एक्टिव किया है। यहाँ पर हमने 200 रुपये ऐड किया है। अब जैसे हम किसी को यहाँ पर स्कैन एंड पे करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते, तो अब जो है मैं आपको क्या करता हूँ कि एक स्कैन पेमेंट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें पिन डालने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं, और हमारा जो पेमेंट है कभी भी नहीं फंसेगा ऐसे अगर हम करते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है सिंपली मैं स्कैनर को ओपन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने स्कैनर ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने एक स्कैन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 10 रुपये, यहाँ पर चलो 10 रुपये में मैं 1 रुपये ही करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए UPI लेट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जैसे किसी को हम ऐसे पेमेंट करते हैं तो हमारे पास अलग अलग बैंक अकाउंट आते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरे साथ आ रखा है। अब अगर मैं यहाँ पर स्टेट बैंक से ऐसे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमें पिन मांग रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ और यहाँ पर देखिए मैं जैसे UPI लेट के ऑप्शन पर आऊँगा, जैसे यहाँ पर मैं पे करूँगा तो मुझे जो है पिन वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है और वो सिंपली जो है हमारा वो पे हो जाएगा। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं पेड हो गया और हमें कोई भी UPI पेमेंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और हमें जो है देखिए सामने वाले को जो है वो पैसे पहुंच भी गया है और हमें कोई भी पिन विन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ऐसे करने से हमारा जो पेमेंट है कभी भी रुकेगा नहीं, कभी भी अटकेगा नहीं, ना प्रोसेस में जाएगा ना ही पेंडिंग में जाएगा। तो इसका इस्तेमाल जो है अभी फ़िलहाल 2000 रुपये तक आप किसी को ऐसे भेज सकते हो। अगर 2000 रुपये से ज़्यादा भेजना है तो आपको पुराने प्रोसेस में ही जाना पड़ेगा। तो आपने देखा कि अगर ये बेसिकली उसके लिए है जैसे आप दुकानों पे छोटे छोटे मोटे पेमेंट करते रहते हो, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसमें से पैसे अटके ना और किसी को भी आप भेजो तो सामने वालों को तुरंत पहुँच जाए। तो उसके लिए ये फ़ोनपे और पेटीएम ने ये ऑप्शन लॉन्च किया है। बाकी आपको समझ आया, अगर कोई आपके मन में कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो मैंने आपको सक्सेसफुली सारा कुछ इसको एक्टिव करके दिखा दिया है।